नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेंकट रमन तक के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। इस बार वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो बाकी बचे राष्ट्रपति और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर के 1962 तक रहा। 1962 से लेकर के 67 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे राधा कृष्णन। कौन रहे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन रहे। 67 से लेकर के 69 तक रहे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। 69 से लेकर के 74 तक रहे आपके वीवी गिरी साहब, और इसी अंतराल में आए आपके हिदायत उल्ला साहब। 74 से लेकर विद्यार्थियों 77 तक रहे आपके फखरुद्दीन अली अहमद साहब। उसके बाद आए बीडी जत्री साहब। बीडी जत्री साहब के बाद में नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में आते हैं आपके कौन? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बाद में आते हैं आपके कौन से? वेंकट रमन साहब। अब हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, वेंकट रमन के बाद 1992 से लेकर के 1900 ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बाद वेंकट रमन, और वेंकट रमन के बाद में आते हैं शंकर दयाल शर्मा, जो कि 1992 से लेकर के 1997 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे विद्यार्थी। अब आता है प्रथम वरीयता में सबसे कम अंतराल से अब तक जीतने वाले राष्ट्रपतियों में से आते हैं शंकर दयाल शर्मा। इसके अलावा इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया और 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि 1992 से लेकर 97 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद आता है के आर नारायण साहब, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और सबसे प्रथम जो दलित राष्ट्रपति अब तक के जो राष्ट्रपति बने हैं उसमें प्रथम दलित राष्ट्रपति है के आर नारायणन। सिख राष्ट्रपति पूछ ले तो ज्ञानी जेल सिंह। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ ले तो जाकिर हुसैन। दार्शनिक राजा पूछ ले तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उसके बाद आता है, आपने देखा होगा 69 और जो 70वां संविधान संशोधन था उसमें कहा गया कि 69वां संविधान संशोधन कहता है कि दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभाओं के गठन की बात कही गई, और 70वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। तो पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं में भी हिस्सा लिया था। किसके काल में? के आर नारायणन के काल में। तो ध्यान रखना, दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें शामिल किया गया। पूर्व में ये उपराष्ट्रपति रहे, 1992 से लेकर के 97 तक ये उपराष्ट्रपति रहे, और 97 से लेकर के 2002 तक के आर नारायणन को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। विद्यार्थियों, अब आता है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जिसके बारे में ना केवल भारत बल्कि विश्व में भी जिसका नाम बड़े ही पवित्र भाव से लिया जाता है वो है आपके अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो विद्यार्थियों को बहुत ही प्रिय हैं, और हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, जिनमें आपके मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब के जीवन के बारे में लोग मोटिवेट होते हैं, प्रेरणा स्रोत के रूप में अब्दुल कलाम साहब का नाम याद किया जाता है। विद्यार्थियों, तो 2002 से लेकर 7 तक भारत के राष्ट्रपति बनाए गए अब्दुल कलाम साहब को। अब्दुल कलाम साहब गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी थी लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल जो थी इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में भूमिका अदा की,
और भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे अब्दुल कलाम साहब 2002 से लेकर के 2007 तक। फिर आती है आपकी प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 से लेकर के 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे, और इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत को हरा करके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और भारत के राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने वाली पांचवी महिला आपकी जो थी वो भी कौन थी, आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और रामनाथ कोविंद के साथ मीरा कुमार जो थी वो छठी प्रतिनिधि थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो महिला थी वो छठी प्रतिद्वंदी थी आपकी मीरा कुमार। पांचवी महिला प्रतिद्वंदी रही आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब तक 6 महिलाओं ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, लेकिन केवल एक ही सफल रही है, वो है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद आता है विद्यार्थी प्रणव मुखर्जी, जो आगामी एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण तथ्यों में से पूछा जाएगा तो वो है आपके कौन, प्रणव मुखर्जी साहब। प्रणव मुखर्जी की विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो प्रणव मुखर्जी जो थे वो 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले हैं, और अब तक के सबसे अधिक उम्र के जो राष्ट्रपति बने वो भी कौन थे, वो भी आपके कौन थे, प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 में अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। 84 साल की उम्र में ये अभी 31 अगस्त 2020 को इनका देहांत हुआ है, और ये जो प्रतिभा देवी सिंह प्रणव मुखर्जी साहब थे मनमोहन सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में रह चुके हैं, प्रतिरक्षा और विदेश मंत्रालय भी इनको दिया गया था। तो प्रणव मुखर्जी जिनके पद पर रहते हुए लाभ के पद पर विवाद भी हुआ था, और भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इनको नामांकित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में किनको नामांकित किया गया, तो आपका आंसर होगा किसको, 13वें राष्ट्रपति के रूप में नामांकित किया गया था आपके प्रणव मुखर्जी साहब को, और भारत रत्न जिनको दिया गया 2019 में रामनाथ कोविंद के द्वारा उनमें से एक हस्ती थी आपकी प्रणव मुखर्जी साहब। और प्रणव मुखर्जी के लिए सोमनाथ चटर्जी ने एक उपाधि दी, भारत का स्टेट्समैन भी कहा। क्या कहा उत्तर क्यों, भारत के स्टेट्समैन की उपाधि देने वाला भी कौन था, सोमनाथ चटर्जी, क्योंकि प्रणव मुखर्जी ने 1935 से लेकर के अब तक के लाइफ में पूरी जिंदगी अपनी भारतीय जनता को समर्पित कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर भी रहे, आगे जाकर के राजीव गांधी सरकार, मनमोहन सरकार, कांग्रेस की जो आपकी सोनिया गांधी है उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे टर्म्स थे, और भारतीय राजनीति की कूटनीतिक दाव पेचों में भी प्रणव मुखर्जी का अपना एक ही योगदान था। इसके अलावा जन्म इनका 1935 में हुआ था, 14वें निर्वाचन हुआ था, पश्चिमी बंगाल से ही अपना लिंक रखते हैं। अब लास्ट में आता है विद्यार्थियों रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, इनका जन्म यूपी में हुआ था, बिहार के राज्यपाल के पद पर भी ये आसीन रहे थे, और हमारी जो जनता पार्टी सरकार है इन्होंने 2017 में इनको भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया, और आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार को इसका प्रतिद्वंदी खड़ा किया था। मीरा कुमार को इन्होंने 3,34,000 वोटों से हरा करके रामनाथ कोविंद ने 2017 में भारत के राष्ट्रपति पद की क्या ली थी, शपथ दी थी। इनका जन्म 1945 में यूपी में हुआ था, और आज जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद साहब। रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति और उससे जुड़े तथ्यों के बारे में विद्यार्थियों डिस्कस किया है। आगामी वीडियोस में हम प्रधानमंत्री, भारत के जितने भी राजस्थान के राज्यपालों के बारे में,
जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं विद्यार्थी, वो जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ताकि आप आगामी एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस है या आगामी जो प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आप बेहतर कर सको। तो आप मेरे नवभारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।